ये डॉक्टर साहब स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो है वो जीन का लास्ट टाइम जो एनालिसिस किया था उसमें हमने ब्लास्ट करके एक लिस्ट निकाल ली थी जीन्स की। जो भी हमारी जो जीन फैमिली थी उसकी जितनी भी जीन्स थी वो हमने यहाँ से जो निकाल ली थी। जैसे यहाँ पे ये मेरे पास एक कल वाली लिस्ट जो है वो बनी। अब इसको नेक्स्ट जो हमने प्रोसीड करना है वो हमने ये चेक करना है कि हमारे पास जो डोमेन या जो हम अपनी जीन सर्च कर रहे थे इनमें से कौन सी जीन्स हैं जो उस डोमेन से या उस जीन सीक्वेंस से जाना वो सिमिलर है। इसके लिए हमें जो है वो यहाँ पे प्रोटीन सीक्वेंसेस जो है वो यूज़ कर। अब हम जो है वो इन आईडीज़ को यूज़ करते हुए टीबी टूल के ज़रिए जो है वो हम अपने सीक्वेंसेस जो है वो निकालें। उसके लिए हमने क्या करना है, टीबी टूल में जो है वो सीक्वेंस टूल किट पे जाएंगे। उसके बाद फास्टा टूल में, फास्टा टूल में जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है फास्टा एक्सट्रैक्ट रिकमेंडेड, इसको जो है वो ओपन करें। यहाँ पे हमें जो है वो अपनी प्रोटीन फाइल चाहिए एज ए इनपुट, और आउटपुट में हम जो है वो आउटपुट पा देंगे कहाँ पे हमें ये फाइल जो है वो मिल जाए। और नीचे ये जो बॉक्स मौजूद है इस बॉक्स के अंदर हम जो है वो तमाम तमाम जो जीन आईडीज हैं ये हमारे पास जो अभी जो टेंटेटिव लिस्ट आई है वो हम यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दें और उसके बाद जो है वो स्टार्ट प्रेस करें। अभी हम जो है वो ये करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है वो प्रोटीन फाइल चाहिए, ये प्रोटीन फाइल यहाँ पे हम लोड कर देंगे। उसके बाद क्लोज, और फिर यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ इनिशियलाइज, इस पर क्लिक करें। इससे क्या होगा कि ये हमारे पास इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो इंटीग्रेट हो जाए। इंटीग्रेशन के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जस्ट हमारे पास पहले एक फाइल थी तो ये दो और एडिशनल फाइल्स जो है वो जनरेट हो गई। जब ये जनरेट हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये फाइल सक्सेसफुली यहाँ पे इंटीग्रेट हो चुकी है। अगर नहीं होती तो फिर फाइल के अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम तो वो फिर जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर इस तरह से हम जो है वो आउटपुट पा देंगे और यहाँ पे आउटपुट फाइल का जो है वो नेम लिखते हैं। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है वो NAC जीन फैमिली डॉट FA, ये जो है वो फाइल का फॉर्मेट है। तो ये एक्सटेंशन में लिख देंगे फास्टा। और उसके बाद जो हमारे पास टेंटेटिव लिस्ट है जो हमने जो है वो ब्लास्ट के जरिए एक लिस्ट निकाली थी जीन्स की, उसको यहाँ पर जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये तमाम की तमाम आईडीज़ जो है वो यहाँ पे आ चुकी हैं, और फिर जो है वो स्टार्ट पे प्रेस कर दें। अब ये देखिए तमाम के तमाम सीक्वेंस उसने जो है वो एक्सट्रैक्ट कर दी, और एक मैसेज जो है वो बबल अप हो गया कि आपका टास्क जो है वो फिनिश हो गया। और यहाँ पे ये देखेंगे एक एडिशनल फाइल जो है वो बन चुकी है। इसको जो है वो हम ओपन करके देख लेंगे कि इसके अंदर सीक्वेंसेस मौजूद हैं या नहीं। तो ये देखें ये तमाम के तमाम जो हमारे पास सीक्वेंसेस थे वो सारे सीक्वेंसेस जो है वो उस फाइल से इस फाइल के अंदर जो है वो एक्सट्रैक्ट हो गए। और ये तमाम के तमाम जो है वो सिलेक्टेड जीन्स हैं जो हमने जो ये जो लिस्ट लगाई थी इसके अंदर जो है वो मौजूद। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, हमने अब इस जो जीन फैमिली है इसको वैलिडेट करना है कि इसके अंदर जो है वो हमारी जो डिज़ायर डोमेन है वो मौजूद है या नहीं। उसके लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट ऑनलाइन जो है वो टूल्स जो वो मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले जो है वो NCBI CD सर्च टूल है। CD मीन कंजर्व डोमेन, तो ये इसका जो है वो वेब लिंक है। इसके अलावा मैंने आपको ये जो है वो शेयर भी कर दिया था लिंक। उसमें ये जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स के अंदर जो है वो अगर आपके पास दो या तीन सीक्वेंसेस हैं तो वो दो तीन सीक्वेंसेस आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, और तमाम सीक्वेंसेस जो है वो फास्टा फॉर्मेट के अंदर जो है वो होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ सीक्वेंसेस जो है वो ज़्यादा हैं, जैसे अभी मेरे पास जो है वो नंबर ऑफ सीक्वेंसेस ज़्यादा थे, तो हम यहाँ पे जो है वो फाइल भी जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अभी जो हमने फाइल जनरेट की थी इसको जो है वो चूज़ कर, फाइल यहाँ पे जो है वो लोड हो गई। बाकी तमाम के तमाम जो पैरामीटर्स हैं वो डिफ़ॉल्ट जो है वो रख लें। अब इसमें यहाँ पर जो है वो एक ऑप्शन मौजूद है जिसमें जो है वो ईमेल एड्रेस है। अगर नंबर ऑफ क्वेरीज जो है वो ज़्यादा होंगी तो इस पे जो है वो टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम जो है वो कंज्यूम करेगा। और इसका ड्रॉबैक ये है कि जिस वक्त हम इसको सबमिट कर देते हैं अगर पेज रिफ्रेश हो गया तो हमारी वो जो क्वेरी है वो ख़त्म हो जाएगी, हम उसको कभी भी जो है वो रिकवर नहीं कर सकते। उसके लिए जो है वो हम अपना यहाँ पे जो भी ईमेल एड्रेस होगा वो ईमेल एड्रेस दे देंगे। तो जो ही ये एनालिसिस फिनिश होगा तो हमें जो है वो रिजल्ट्स वहाँ पर जो है वो मिल जाए। तो हम जो है वो इस पर क्लिक कर देते हैं ईमेल एड्रेस लिखने के बाद सबमिट, बाकी पैरामीटर्स वैसे के वैसे छोड़ देंगे। अब ये जो है वो अब
हमारा जो है वो प्रोसेस रन होना जो है वो शुरू हो गया। जो ही ये जो है वो फिनिश होगा तो यहाँ पे नीचे जो है वो एक बॉक्स बन के आ जाएगा जिसके अंदर जो है वो रिजल्ट्स भी जो है वो शो होंगे। जैसे ये देखें, अब ये हमारा जो है वो एनालिसिस फिनिश हो गया है और ये एक बॉक्स जो है वो बन गया। अब मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो है वो जब हम सबमिट करते हैं अगर पेज फ्रेश हो जाए तो हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। तो उसमें ये है कि हम एक तो ईमेल एड्रेस दे देते हैं, दूसरा ये है कि जो ही जो है वो हमने सबमिट किया तो उसके बाद ये जो स्टैटिस्टिक्स का पेज ओपन है इसमें ये पहले नंबर पे सर्च आईडी जो है वो दी हुई, ये आईडी भी हम जो है वो अपने पास कॉपी करके जो है वो सेव कर सकते हैं। अब क्या है कि अगर जो है वो हम इसको रिजल्ट्स को रिट्रीव करना चाह रहे हैं, हमारे पास ब्राउजर बंद हो गया या जो है वो इसने जो है वो लॉन्ग टाइम लिया था एनालिसिस में, तो यहाँ पे देखें रिट्रीव ए प्रीवियस सर्च, इसमें जो है वो हम इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद जो है ना रिट्रीव, तो ये हमें जो है वो रिजल्ट जो है वो यहाँ पे निकाल के जो है वो दे दे। एक तरीका हो गया कि ईमेल एड्रेस के थ्रू, और दूसरा तरीका ये हो गया कि यहाँ पे जो सर्च आईडी आएगी वो अगर हमारे पास सेव है तो उसके थ्रू हम अपना रिजल्ट जो है वो निकाल सकते हैं। अब जिस वक्त जो है वो रिजल्ट निकल आया है तो अब हमने इसको जो है वो विजुअलाइज करना है, तो यहाँ पे हम जाएंगे ब्राउज रिजल्ट्स पे, एक न्यू विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अब इस न्यू विंडो में यहाँ पे साइड पे देखें हमारे पास जो क्वेरीज हैं वो मौजूद हैं और ये दरमियान में जो है वो हमारे पास रिजल्ट जो है वो शो। अब हमने पहली क्वेरी Q1 को जो है वो सिलेक्ट किया हुआ तो उसने हमें यहाँ पे डिस्प्ले में दिखा दिया कि हमारे पास जो जीन फैमिली हम सर्च कर रहे थे उसके अंदर जो डोमेन मौजूद है वो NAC फैमिली से जो है वो बिलोंग करती है। अगर जो है वो सब रिजल्ट देखने हैं तो सबको यहाँ पे जो है ना सिलेक्ट करेंगे Ctrl A करके, इस बॉक्स में आना है, किसी एक को सिलेक्ट कर लें Ctrl A और उसके बाद शो सिलेक्टेड क्वेरीज, इस पे क्लिक कर। राहील ये अपना जो है ना वो स्पीकर माइक ऑफ कर दो। अब जितनी नंबर ऑफ क्वेरीज होंगी तो ये उतना ही ज्यादा जो है वो टाइम लेगा, तो हमें थोड़ी देर जो है वो वेट करना है ताकि तमाम के तमाम रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। अब देखिए ये रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो गए। अब हमारे पास जो जीन फैमिली हम सर्च कर रहे थे वो NAC जीन फैमिली थी, लेकिन यहाँ पर देखें तो हमारे पास कुछ डिफरेंट डोमेन्स भी जो है वो आ रही है, जैसे यहाँ पे ये मौजूद है, ये जो है वो NADP है और ये जो है वो S2P है, ये हमारी जो है वो जो जीन फैमिली हम सर्च करने जा रहे थे उससे रिलेटेड नहीं है, तो हम इन दो को जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद ये ऑलरेडी NAC है, ये भी NAC है, ये भी NAC है और फिर ये दो भी जो है वो हमारे पास डिफरेंट डोमेन्स की जो है ना जीन्स आ गई, तो दो जीन्स ये और दो जीन्स ये, टोटल चार जीन्स हैं जिनको हमने अपनी इस लिस्ट के अंदर से जो है वो डिस्कार्ड जो है वो कर, ये जो हमने टेंटेटिव लिस्ट जो है वो जनरेट की थी। तो हम यहाँ से जो भी हमारी आईडी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 404 है, 713 है, इनको हम जो है वो रिमूव कर दें। ठीक, ये वाली आईडी है, इसी के नीचे ये वाली आईडी है और फिर ये दो आईडीज हैं 9305 और 1390, ये दो आईडीज, ये हम जो है वो रिमूव कर। अब आफ्टर डोमेन कंफर्मेशन हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 4 जीन्स जो है वो रिमेनिंग बची हैं। टोटल जो है हमारे पास 8 जीन्स थी जब हमने डोमेन को वैलिडेट किया, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो 4 जीन्स के अंदर हमारे पास NAC डोमेन जो है वो मौजूद थी। तो अब हमें जो है वो हमारी जीन फैमिली जो NAC जीन फैमिली है वो कन्फर्म हो गई है कि हमारे पास NAC जीन फैमिली के अंदर वाटरमेलन के अंदर ये 4 मेंबर्स हमारे पास जो है वो मौजूद है। अब हम इस इन 4 जो कंफर्म मेंबर्स हैं या वैलिडेटेड मेंबर्स हैं इन्हीं को लेके आगे जाए वो फर्दर जितने भी एनालिसिस होंगे उनको जो है वो परफॉर्म करें। तो ये तो एक डेटाबेस है, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो स्मार्ट डेटाबेस भी जो है वो मौजूद, जो रिजल्ट्स हमारे पास यहाँ पे आए हैं उन रिजल्ट्स को जो है वो काउंटर वैलिडेट करने के लिए हम इस डेटाबेस को भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें यह है कि इसमें हमें जो है वो 1 बाई 1 तमाम के तमाम जो सीक्वेंसेस हैं वो पेस्ट करके 1 बाई 1 जो है वो चेक करने हैं। वहाँ पे हमने जो है वो बल्क के अंदर जो है वो चेक कर लिया था, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं है, तो उसकी वजह से हमें जो है वो
वन बाई वन इनको जो है वो सबमिट करके जो है वो चेक करना पड़े। तो इस बॉक्स के अंदर जो है वो हम प्रोटीन सीक्वेंस पेस्ट करेंगे और नीचे ये जो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, आउटलायर, होमोलॉगीज, पी फ्रेम डोमेन्स, सिग्नल पेप्टाइड्स और इंटरनल रिपीट्स, इन चारों बॉक्सेस को जो है वो चेक कर देंगे और फिर जो है वो सीक्वेंस स्मार्ट के ऊपर जो है वो हमने क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो है वो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये जो है वो वेबसाइट बिजी और ये हमें बताएगी कि हमारी जॉब को कितने नंबर जो है वो या कितना टाइम जो है वो रिक्वायर्ड है या हमसे पहले कितनी क्वेरीज ऑलरेडी जो है वो सबमिटेड है। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो 15 क्वेरीज जो है वो ऑलरेडी हमसे पहले जो है वो सबमिट हो चुकी हैं। हमें तब तक जो है वो वेट करना है जब तक जो है वो हमारा नंबर जो है वो नहीं आता। चलिए, जब तक ये होता है तब तक हम जो है वो जो हमारे पास कंफर्म सीक्वेंसेस हैं उनको दोबारा री एक्सट्रैक्ट जो है वो कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने जो है वो पहले 8 जीन्स की जो है वो लिस्ट लगाई थी। अब यहाँ पे हमने अभी ये जो हमारे पास न्यू लिस्ट बनी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 जीन्स हैं जो हमारे पास जो है वो कन्फर्म जीन्स हैं उनकी जो है वो लिस्ट लगा लेंगे। वही सेम जो है वो प्रोटीन फाइल यहाँ पे लोड करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, आउटपुट फाइल का जो है वो इसी तरह से जो है वो नेम लिख देंगे। तो अब हमारे पास जो है वो कन्फर्म्ड है। इसके स्टार्ट में हम कन्फर्म लिख लेते हैं फाइल का नेम और जो है वो स्टार्ट पे प्रेस कर। अब ये हमारे पास 4 जो NAC जीन फैमिली के मेम्बर्स हैं उनके 3 सीक्वेंसेस जो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। ये देखिए 1, 2, 3 और ये जो है वो 4। अब हमें जो है वो नेक्स्ट क्या चेक करना है, हमने जो है वो चेक करना है कि हमारे पास इसके अंदर ये जो 4 जो है वो हमारे पास मेंबर आ चुके हैं NAC जीन फैमिली के, इनमें जो है वो हमारे पास कौन सी फंक्शनल डोमेन्स जो है वो मौजूद है जो किसी इंटरेक्शन में इन्वॉल्व हैं या जो है वो किसी को कम्प्लेक्स बनाने के अंदर जो है वो अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो ये जो है वो मी पास वेबसाइट है या जो है वो सर्वर है, इसके थ्रू हम इसका एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। और इसमें जो है वो हमें एनालिसिस है इस तरह से हमें जो है ना फिगर जो है वो मिल जाएगी जिसके अंदर जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ ये मोटिव जो है वो इस तरह से बने और ये मोटिव जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो है वो इंटरेक्शंस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने ये चेक करना है कि हमारे पास जो NAC जीन फैमिली है इसके अंदर ऐसी कौन सी मोटिव्स जो है वो मौजूद हैं। तो इसके लिए हमें जो है वो प्रोटीन सीक्वेंसेस जो है वो एज अ क्वेरी सीक्वेंसेस चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो इनपुट प्राइमरी सीक्वेंसेस में आएंगे और फाइल को जो है वो हम लोड कर। तो ये वही 4 जीन्स ही जो है हमारे पास NAC जीन फैमिली है, ये हम यहाँ पे लोड कर देंगे। ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि हमारे पास जो सीक्वेंसेस हैं वो प्रोटीन सीक्वेंसेस। उसके बाद सेलेक्ट द साइट डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिफ़ॉल्ट 0 और 1 1 अकरेंस पर सीक्वेंस और इस तरह नंबर ऑफ मोटिव्स जो है वो कितनी हम जो है वो शो करना चाह रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो है वो 10 मोटिव्स जो है वो यूज़ करें और मोस्टली पेपर्स में जो है वो 10 को ही जो है वो सेलेक्ट किया जाता है। बाकी तमाम के तमाम जो पैरामीटर्स हैं उनको जो है वो डिफ़ॉल्ट ही जो है वो छोड़ दें, कोई चेंजेस करने के अंदर जो है वो ज़रूरत नहीं है। और फिर जो है वो अगर ईमेल एड्रेस देना चाह रहे हैं कि ईमेल एड्रेस पे जो है हमारे पास रिजल्ट आ जाए तो ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड कर दें और फिर जो है वो सर्च स्टार्ट सर्च पे जो है वो प्रेस कर। अब जो ही ये जो है वो रिजल्ट जो है वो हमारे पास जनरेट हो जाएंगे तो इस तरह से हमारे पास मल्टीपल फाइल्स जो है वो जनरेट हो। अब ये जो पहली फाइल है ये HTML आउटपुट जो है वो शो करती है, यानी कि हम इसको इसी ब्राउज़र के अंदर ही जो है वो विजुअलाइज जो है वो कर सकते हैं। ये देखिए, ये अब हमारे पास जो है वो NAC डोमेन के अंदर जितनी भी मोटिव जो है वो मौजूद थी सीक्वेंसेस के अंदर, NAC सीक्वेंसेस के अंदर, वो तमाम के तमाम यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं कि ये सीक्वेंसेस हैं और इन सीक्वेंसेस की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है हर जीन के अंदर, वो भी यहाँ पर जो है उन्होंने शो कर दी। अगर इस पिक पर जो है वो हम जस्ट कर्सर लेके जाएंगे तो वो हमें शो कर देगा कि ये कौन सी डोमेन यहाँ पर जो है वो मौजूद है।
अब यहाँ पे ये देखिए मोटिव है, इसका सैम्पल यहाँ पे हमें जो है वो शो हो रहा है, तो ये जो है वो एम डी और एंड पे के है, तो ये 8 नंबर इस लिस्ट के अंदर जो है वो 8 नंबर के ऊपर जो डोमेन मौजूद है, ये वो वाली डोमेन जो है वो यहाँ पे शो की। इसी तरह से ये वाली जो है इसको अगर हम देखें तो ये जी स्टार्ट में इसके जो है वो और जी एच ए आ रहा है, तो ये यहाँ पर 2nd नंबर वाली डोमेन जो है वो मौजूद। इस तरह से हमें ये जो है वो रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले कर देगा। लेकिन जिस वक्त हमने इन रिजल्ट्स को जो है वो डिस्प्ले करना है या विजुअलाइज करना है, एक हमने जो है वो फिगर बनानी है, हम यहाँ से इसको जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ से यूज़ करेंगे और उसको फिगर के अंदर यूज़ करेंगे तो वो हमें जो है वो इतना अच्छा जो है वो रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। हमें जो है वो इस तरह से एक फिगर जो है वो बनानी, जिसके अंदर हमारे पास तमाम तमाम जो जीन स्ट्रक्चर है, जो अभी हमने पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चेक किया है, जिसमें हमारे पास एम ई मोटिव थी, डोमेन एनालिसिस थी, ये एग्जॉन एंड इंट्रॉन्स की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस तरह से हमने इसको जो है वो शो करना है। तो अगर हम जो है वो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे तो हमें जिस वक्त हम इसको एडिट करने की कोशिश करेंगे और फिर डिफरेंट एनालिसिस को एक दूसरे के साथ डिफरेंट पैनल्स में अलाइन करेंगे, तो अगर जीन मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये जीन 1 मौजूद है तो वो जीन 1 एक ही अलाइनमेंट नहीं आएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है वो रिजल्ट को बजाय HTML में डाउनलोड करने के, हम यहाँ पे जो है वो एक और फॉर्मेट दिया हुआ है MEME XML आउटपुट, इसको हमने जो है वो डाउनलोड कर, तो सिंपली इस पे जो है वो क्लिक करेंगे, न्यू जो है वो टैब ओपन होगी, इस टैब के ऊपर जो है वो राइट क्लिक करना है और सेव एज कर दें, और जहाँ पर भी इसको जो है वो हमने सेव करना है वहाँ पर जाके इसको हम सेव कर देंगे, ये हमारे पास जो है वो सेव हो जाएगी। इसी तरह से जो है वो हमने जो हमारे पास अभी हमने डोमेन सर्च की है कंसर्व डोमेन, उनके रिजल्ट्स को भी जो है वो हमने डिस्प्ले करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पेज के ऊपर ये जो डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद है, इस डाउनलोड पे जो है वो क्लिक करेंगे तो ये जो है वो एक टेबल जो है वो जनरेट कर देगा, हिट डाटा के नाम से। ये देखें ये टेबल इसने जो है वो जनरेट कर दी है, यही टेबल ये जो नीचे दिया हुआ था ये टेबल हमारे पास इस तरह से यहाँ पर जो है वो आ गया। अब इस हिट डाटा को इसी तरह से जो है वो ये हमारे पास जो XML फाइल है ये हम यूज़ करके हम जो है वो इस तरह की फिगर आप जो है वो ड्रॉ करें। अब देखिए मेरे पास जो है वो ये डोमेन एनालिसिस के रिजल्ट्स हैं, ये जो हमारे पास हिट डाटा था हो गया। इसी तरह से जो है वो MEME का जो है वो एनालिसिस जो अभी हमने वहाँ से डाउनलोड किया है ये भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है वो हमें अगर हमने क्लस्टर जो है वो बनाने, जिस तरह से ये जो है वो क्लस्टरिंग की हुई है यहाँ पे, हमें जो जीन फैमिली जिस क्लस्टर से सब फैमिलीज हैं, ये एक जीन के अंदर सब फैमिलीज हैं, तो वो सब फैमिली के मेंबर जिस मेंबर से बिलोंग करते हैं वो सारे के सारे जो है वो एक ही साथ जो है वो क्लस्टर हो जाए, तो उसके लिए मैंने जो है वो एक फाइलोजेनेटिक ट्री भी जो है वो बनाया है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमारे पास यही जो जीन सीक्वेंसेस हैं इनको हमने जो हमारा मेगा सॉफ्टवेयर है मेगा 7, ये जो है वो मेगा 7 के नाम से आप जो है वेबसाइट पे लिखेंगे तो गूगल में आपको निकाल देगा, उसको डाउनलोड करके जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे, तो मेगा 7 के अंदर हम इसको जो है वो लोड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, फाइल पे जाना है, ओपन ए फाइल या सेशन, और फिर हमारे पास जहाँ भी वो जो है वो हमारी जीन फैमिली जो है वो मौजूद है, जैसे ये भी मैंने सी थी, तो इसको लोड कर देना है। उसके बाद इस तरह से मैसेज जो है वो पॉप्स अप होगा और उसको करना है अलाइन, अलाइन पे क्लिक करेंगे इस तरह से एक और जो है वो विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई एक जो है वो आईडी चूज करनी है, फिर Ctrl+A प्रेस करेंगे तो ये सारी की सारी आईडीज को जो है वो सेलेक्ट कर लेगा। अब हमने इसकी जो है वो अलाइनमेंट करनी है, अलाइनमेंट के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन मौजूद हैं, एक जो है वो W, इसको कहते हैं Cluster W, और दूसरा जो है वो हमारे पास है मसल। इन दोनों मेथड को यूज़ करते हुए में से कोई एक मेथड हम यूज़ करते हुए जो है वो इन सीक्वेंसेस को जो है वो अलाइन करेंगे। अब यहाँ पे वैसे देखें तो ये जो है वो बिल्कुल रेंडम, इनकी हमने जो है वो अलाइनमेंट करनी है ताकि जो सिमिलर न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक ही लाइन के अंदर जो है वो आ जाए।
मसल प्रोग्राम जो है वो चूज़ कर लेते हैं, अलाइन प्रोटीन, किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी सेटिंग को जो है वो हमने नीचे ना और डायरेक्ट जो है वो प्रेस कर देते हैं कंप्यूटर। अब ये देखेंगे इसने जो है वो अलाइन कर दिया तमाम के तमाम जो सीक्वेंसेस थे इनके जो है वो अलाइनमेंट कर दी। पहले यहाँ पर देखें यहाँ पे गैप जो है वो मौजूद नहीं था, अब यहाँ पर जो है वो गैप आ गए और तमाम के तमाम न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो अलाइन जो है वो हो चुके। जब अलाइनमेंट वो कम्प्लीट हो जाए तो फिर हमने जाना है डाटा पे और यहाँ पे चूज करना है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। फिर इस विंडो को जो है वो हम मिनिमाइज कर देंगे। अब ये डाटा सारे का सारा जो है वो इस विंडो के अंदर जो है वो लोड हो चुका है। अब हमने फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो ड्रा करना है, तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे मेन्यू में फाइलोजिनी, फिर जो है वो हम चूज़ करेंगे नेबर जॉइनिंग ट्री और इधर जो है वो यस प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो हमने जो चीज़ चेंज करनी है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको चेंज किया है, तो बूट स्ट्रैप मेथड है और उसमें नंबर ऑफ जो है वो बूट स्ट्रैप्स 1000 जो है वो चूज़ करने हैं। फिर जो मॉडल हमने चूज़ करना है, अगर तो आपके पास जो जीन फैमिली एनालाइज कर रहे हैं वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, तो पेपर में उन्होंने जो भी मेथड दिया हुआ होगा वो मेथड आपने जो है वो चूज़ कर लेना। जैसे यहाँ पे एक मैंने पेपर ओपन किया हुआ है कॉल मॉडलिंग जीन फैमिली का, तो हम देखते हैं कि क्या मेथड जो है वो चूज़। ये देखिए इन्होंने फाइलोजेनेटिक ट्री ड्रा की है, बूटस्ट्रैप 1000, रेप्लिकेट मैक्सिमम लाइकलीहुड, ठीक है ये मेथड इन्होंने जो है वो यूज़ किए। तो अगर आप भी जो है वो इसी तरह की जो भी जीन फैमिली एनालाइज कर रहे हैं और वो पब्लिश हो चुकी है, तो जो ऑलरेडी पब्लिश है पेपर वहाँ से जो है वो मेथड जो है वो देख लें। तो ये हम वो चूज़ कर लिया, ठीक है मैं यहाँ पे एनएससी के लिए जो है वो मेथड जो चूज़ कर रहा हूँ जो है वो पॉइसन मॉडल है ये चूज़ कर लिया, बाकी तमाम के तमाम पैरामीटर जो है वो डिफ़ॉल्ट रहेंगे और जो है वो कंप्यूट कर लें। तो ये थोड़ी देर के बाद जो है वो एक फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो जनरेट कर लें। अब ये जो है वो ट्री जनरेट हो गया। अब हमें जो है वो ये जो फिगर है इसके अंदर ये जो है वो ट्री यहाँ पे जो है वो ड्रॉ करना है। तो इसके लिए क्या है कि हमने इस डिस्प्ले को जो है वो निविक फॉर्मेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, फाइल में जाने के बाद ये सेकेंड ऑप्शन है एक्सपोर्ट करंट ट्री और आगे लिखा हुआ है निविक, इस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद जो है वो एक्सपोर्ट पे चले जाएंगे। तो ये इस तरह से एक कोड जो है वो जनरेट कर देगा। इस कोड को जो है वो हम फिर यहाँ से सेव प्रेस करके मेन्यू में जहाँ भी हमने सेव करना है वहाँ पर इसको जो है वो हम सेव कर लें। उसके बाद ये तमाम की तमाम जो विंडोज हैं ये हम क्लोज कर लेंगे। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो एक निविक बनाई हुई है फाइल, ये इसके अंदर पूरे कमरा जो है वो कोड जो है वो मौजूद है जो हमने अभी मेगा सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो जनरेट किया। अब हमने इसको जो है वो इस तरह की फिगर के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास तमाम की तमाम जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो मौजूद है। जो हमारे पास एग्जॉन एंड इंट्रॉन है इसके लिए हमें जो है वो GFF फाइल जो है वो रिक्वायर्ड होगा, तो वो अब ऑलरेडी हमारे पास जो है वो मौजूद है, ये हमारी वो जो है वो GFF फाइल है ये जिसके अंदर तमाम के तमाम जो है वो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। अब हम इन तमाम की तमाम फाइल्स को जो भी हमने जनरेट किए हैं सबको यूज़ करते हुए ये फिगर जो है वो ड्रा करते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने जो है वो टीबी टूल के अंदर जो है वो ग्राफिक्स पे जाना है, ग्राफिक्स के बाद बायो सीक्वेंस स्ट्रक्चर एलिस्ट्रेटर, उसके बाद जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है जीन स्ट्रक्चर व्यू एडवांस, इस पे जो है वो क्लिक कर दें। अब यहाँ पर जो है वो मल्टीपल ऑप्शन जो है वो मौजूद है जिनको हमने वन बाई वन जो है वो यहाँ पे लोड जो है वो करना है। सबसे पहले ये जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स के अंदर जो है वो टू ऑप्शन मौजूद है। अगर तो आप जो है वो ट्री नहीं लगाना चाह रहे, बिल्कुल एक सिंपल सा जो है वो बनाना चाह रहे हैं, ये हमारे पास ये जो फिगर है इसके अंदर ये वाला ट्री जो है वो ना है, जस्ट ये नेम्स और ये जो स्ट्रक्चर है सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये डिस्प्ले हो, तो
उसके लिए क्या है, जस्ट यहाँ पे जीन आईडीज यहाँ पर जो है वो आप पुट कर दें। लेकिन अगर आप ट्री भी जो है वो लगाना चाहते हैं साथ में, ट्री लगाना चाह रहे हैं साथ में, तो ट्री के लिए जो है वो फिर ये निविक फाइल यहाँ पर जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। अब ये जो है वो डिस्प्ले नहीं करेगा, तो इसके लिए हमें जो है वो GTF फाइल जो है वो भी चाहिए, तो GTF फाइल को इस ऑप्शन के अंदर हम जो है वो ड्रॉप कर दें। से मैसेज पॉप्स अप होगा, उसको क्लोज कर देंगे। अब चेक करने के लिए कि क्या ये डिस्प्ले होगा या नहीं, तो हम इसको जो है वो स्टार्ट रिफ्रेश कर देते। अब ये देखें हमारे पास जो एक्सॉन एंड इंट्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास यहाँ पर जो है वो आ चुका है। ये देखें अब ये हर जीन है उसके अगेंस्ट उसका जो जीन का जो स्ट्रक्चर है एक्सॉन इंट्रॉन्स, उसका जो अपस्ट्रीम रीजन है UTR वो भी जो है वो शो किया हुआ। यहाँ पे साइड में जो है वो की दी हुई है कि ग्रीन कलर जो है वो UTR को शो करता है, चाहे वो 5' हो या 3'। और ये जो बॉक्स है येलो कलर का, ये CDS को जो है वो शो कर रहा है। इसके अलावा इसके अंदर ये जो लाइंस लगी हुई हैं, ये लाइंस जो है वो इसके इंट्रॉन्स को जो है वो शो कर रही है। अब इसको हम जो है वो क्लोज कर देते हैं। अब दूसरे नंबर पे हमने जो है वो अब MEME जो है वो एनालिसिस किया था, तो उस फाइल को जो XML फॉर्मेट में उसको यहाँ पर हम जो है वो लोड कर दें। इसको क्लोज कर दिया। अब फिर चेक करते हैं कि क्या ये डिस्प्ले होता है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक एडिशनल जो है वो फिगर ऐड हो चुका है, न्यू पैनल यहाँ पे आ चुका है। ये वाला पैनल जो है वो हमारे पास जीन स्ट्रक्चर का हो गया, और ये हमारे पास जो है वो MEME मोटिव्स का जो है वो पैनल आ गया, और ये इसके जो है वो लेजेंड्स जो है वो आ गए, इसकी की जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ गई। इसी तरह जो है वो हमने डोमेन भी जो है वो चेक की थी, जिसको जो है वो हमने हिट डाटा के नाम से यहाँ पर जो है वो सेव किया था, तो वो वाला पैनल शो करने के लिए ये अपेंड का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ CDD रिजल्ट्स, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है वो एक और जो है वो विंडो ओपन होगी। इसमें सबसे पहले नंबर पे हमने जो है वो हिट डाटा जो हमने वेबसाइट से डाउनलोड किया है NCBI CDD से, उसको यहाँ पे जो है वो लोड करना है कर देंगे। यहाँ पे हमें जो है वो प्रोटीन सीक्वेंसेस भी जो है वो चाहिए। अब इधर हमने सिर्फ और सिर्फ वही प्रोटीन सीक्वेंसेस जो है वो ऐड करने हैं जो हमने हिट डाटा के लिए जो है वो यूज़ किए थे। पूरी की पूरी प्रोटीन फाइल जो है वो यहाँ पर नहीं लगानी, यहाँ पे हम वो वाली फाइल लगा देंगे और इसको फिर जो है वो क्लोज कर, और ये डन। अब फिर देखते हैं कि ये डिस्प्ले होता है कि नहीं। अब ये देखें यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक तीसरा पैनल भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। ये होगी की, ये हमारे पास आ गया जीन स्ट्रक्चर, ये हमारे पास जो है वो डोमेन आ गई, कौन कौन सी डोमेन्स हैं और डोमेन्स जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं, और ये हमारे पास जो है वो MEME एनालिसिस है, और ये जो है वो हमारे पास फाइलोजेनेटिक ट्री और उसके साथ जो है ना जीन आईडीज। अब हम इन जीन आईडीज को जो है वो रीनेम करके रीनेम आईडीज के अंदर भी जो है वो कन्वर्ट जो है वो कर सकते हैं, ताकि इसने जो इतना ज़्यादा जो है ना जगह कवर की हुई है कम जगह कवर करे, और जब ये रीनेम होगा तो वो एक लुक भी जो है वो अच्छी जो है वो आ जाएगी। तो इसके लिए हमने क्या करना है, ये लास्ट के ऊपर सेट इनपुट जीन रीनेमिंग फाइल, तो ये फाइल जो है वो लगानी है, तो ये फाइल बनानी पड़ेगी हमें। उसके लिए क्या है कि हमारे पास दो कॉलम होने चाहिए, पहले कॉलम के अंदर हमारे पास ओरिजिनल जीन आईडीज होंगी और दूसरे कॉलम के अंदर हमारे पास जो है वो रीनेम जो है वो नेम जो है वो मौजूद होंगे, इन आईडीज को जो है वो रीनेम किया होगा, तो इसको हम जो है वो यहाँ पर लगा देंगे। ये फाइल यहाँ पे लगा दी और अब इसको जो है वो हम डिस्प्ले कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारे पास जो है ना वो ये तमाम की तमाम आईडीज जो है वो रीनेम हो गई, और ये इसकी लुक भी जो है वो पहले की नस्बत जो है वो अच्छी आ रही है। अब ये बाय डिफॉल्ट अगर कलर्स को देखें तो ये कलर्स जो है वो ग्रेडियंट के अंदर जो है वो मौजूद है, तो हम इस कलर स्कीम को जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि अदर ऑप्शन जो है, पहले नंबर पे जो ऑप्शन मौजूद है फिल इन ग्रेडियंट मोड, इसको जो है वो हम अनचेक कर दें। अनचेक करने के बाद दोबारा स्टार्ट रिफ्रेश करें, अब देखें यहाँ पे अब हमारे पास जो है इसका डिस्प्ले
चेंज हो चुका है। अब कलर जो है वो ज़्यादा डार्क हो चुके हैं, और जो हम इनको अब क्लियरली जो है वो रीड भी जो है वो कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर जो है वो मौजूद। तो इस तरह से हम जो है वो पूरी की पूरी ये जो जीन स्ट्रक्चर वाली फिगर है इसको हम जो है वो इस तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। अब क्या है कि आप देखेंगे कि मैंने ये जो है वो इसके इर्द गिर्द जो है वो ये रेड कलर का बॉर्डर जो है वो लेके आया। तो ये बॉर्डर कैसे आएगा कि आपने फास्ट जो है ना वो लेफ्ट क्लिक करना है 2 टाइम्स, और उसी दौरान जो है ना वो राइट क्लिक जो है वो कर देना। तो उससे क्या होगा कि ये इन तमाम के तमाम पैनल को जो है वो चूज़ कर देगा, फिर हम इनको जो है वो पूरे के पूरे पैनल को जो है वो मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कोशिश करें कि जो है वो वन बाय वन मूव करें, तो ये फिर क्या करेगा, ये स्प्लिट कर देगा हर एक चीज़ को। जैसे अभी मैंने ये किया है, तो इसने क्या किया, इसने हर एक चीज़ को जो है वो स्प्लिट कर दिया, उससे हमारी फिगर जो है वो ख़राब हो गई। तो इस चीज़ को जो है वो अवॉइड करने के लिए जो है वो हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स लेफ्ट क्लिक और फिर जो है वो फ़ौरन से जो है वो राइट क्लिक जो है वो करना है, और ये बहुत फास्ट जो है वो करना है, तभी ये जो है वो बॉक्सेस जो है वो अपीयर होंगे। ये किया, उसके बाद इसको अरेंज कर लें जहाँ पे भी इसकी अरेंजमेंट करनी है, कि इन तमाम के दरमियान में जो है वो सफिशेंट गैप मौजूद हो। जब इस तरह से आप इसको कर लें अरेंज, उसके बाद जो है वो सेव ग्राफ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं जो रिकमेंड करूँगा वो जो है वो SVG और जो है वो PDF फॉर्मेट है। इसके अंदर आप जो है इसको सेव करें, उसके बाद कोरल ड्रॉ के अंदर ये जो मैंने फिगर, ये सेम फिगर है जो अभी मैंने आपको दिखाई है, ये जो फिगर हमने ड्रॉ की है, ये फिगर और ये फिगर, ये दोनों जो है वो सेम एनालिसिस की जो है वो फिगर है, और इसको जो है वो मैंने कोरल ड्रॉ के अंदर जो है वो फर्दर मॉडिफाई जो है वो की है। इसलिए जब आप ग्राफ को सेव करने लगें तो इसको जो है वो SVG और PDF के अंदर जो है वो सेव करें। इन दो फॉर्मेट्स के अंदर इसको जो है वो फिर तमाम के तमाम ये जो कंपोनेंट्स होंगे उसको आप सेपरेट करके, जैसे भी आप इसकी जो है वो डेकोरेशन करनी है, उस तरह से इसकी जो है वो डेकोरेशन जो है वो कर सकते हैं, और फिर जो है वो सेव पे क्लिक करके सेव। आई होप जो है ना वो आपको आज के जो लेक्चर है ये जो है वो समझ आ गया। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो वो जो है ना वो कर सकते। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी अच्छा जी डॉक्टर साहब अभी आइए। अच्छा इसमें से है कि आज के लेक्चर के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि आपका तो हाथ है ना सेट है इसके ऊपर, जी। आप है ना क्विकली कर रहे थे, और दूसरी चीज ही आज है ना मुझे आपका वो जो कर्सर था ना वो दो तीन जगह पे मिस हुआ, मुझे वो नजर नहीं आया ना। सही है। अच्छा तो मुझे ना कॉम्प्रीहेंड करना मुश्किल हो रहा था कि अच्छा अब आप किस जगह पे जाके क्लिक करते हैं, वो क्लिक होता तो पता लग जाता अच्छा यहाँ पे आपने जाके क्लिक किया है ना। जी आज सर, जिस तरह से वो जूम के ऊपर आपका वो कर्सर नजर आ रहा था ना कि अच्छा आप राइट जा रहे हो लेफ्ट जा रहे हो, तो अंदाजा हो रहा था ना, आज वो चीजें जो सी थी वो नजर मुझे नहीं आ रही थी ना। मैं सिर्फ आपके साथ साथ ना आपके बोलने के साथ साथ फिर मैं उस चीज को लोकेट करता था विजुअली खुद से जाके ना कहाँ पे है। तो बस आज थोड़ा सा मुझे ये हुआ है क्योंकि अब ये लेक्चर दोबारा दो तीन दफा मैं देखूंगा तो दोबारा से मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी करने में खुद से। असल में इसके अंदर ना ऑप्शन मौजूद नहीं है, हाँ वरना वो लेजर या इस तरह का कोई ऑप्शन होता है। जी पॉइंटर वगैरह ना कोई तो मैं इसको दोबारा चेक करूंगा नेक्स्ट टाइम, जब अगर कोई मुझे मिली इस तरह की चीज में तो मैं। हाँ, लेकिन आज वाला जो सा है ये अच्छा इसकी जो फोटो है वो बड़ी कलरफुल आती है, मतलब कि ये हम लोग तो फोटो देख के परेशान होते हैं ना कि नहीं कैसे होगी ना। तो जी सर, अच्छा लेकिन बनानी ऑनेस्टली मैं कहूँ ना तो इतनी आसान भी नहीं है ना।
लेकिन आपके साथ साथ हाँ ये जो आपने ये फोटो बनाया है ना, ठीक है, और मतलब देखने में ना बहुत मुश्किल एक बड़ी फोटो लगती है ना, जी और जैसा आपने समझाया तो लगता तो है कि आसान है, लेकिन अभी मेरी जो गट फीलिंग है वो यही है कि शायद ये मुश्किल फोटो है ये जो आपने अभी बनाई है। सही इसको बनाना उसी तरह से ना, इसके ऊपर हैंड्स ऑन होना आपका, वो जी। थोड़ा सा वो टाइम लेगा, थोड़ा नहीं काफी सारा टाइम लेगा मुझे इसमें लगता जाना है। वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मेन जो चीज़ है ना इसके अंदर जो एरर आता है वो ये जीन आईडीज का आता है। हाँ जी जितनी भी एनालिसिस है, ये कोई एक दो तीन तीन एनालिसिस हैं, तीन डिफरेंट एनालिसिस, बल्कि फोर कर हाँ लें, जी फाइलोजेनेटिक ट्री भी है। इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इन तमाम के तमाम एनालिसिस के अंदर जो जीन आईडी है वो कंसिस्टेंट रहे। हाँ अगर जी कहीं पे वो भी जाए सेम वो है एक पॉइंट का भी एरर आ गया तो ये डिस्प्ले जी। नहीं होगा। इसके अलावा ये जो हमने GTF फाइल लगाई है इसके अंदर भी जो जीन आईडीज के आईडीज हैं ये भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, सही, एडिटेड या वो यूज़ नहीं कर। मतलब जो जिस तरह से फाइल आई है उसी तरह से यूज कर लेनी है ना, उस पे उसमें एडिटिंग नहीं करेंगे। हाँ एडिटिंग वगैरह नहीं करनी। गुड बाकी ये इतना मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आप एक दो मतलब प्रैक्टिस करेंगे। इसके अंदर ना अब मैंने तो आपको ये पूरी की पूरी एक कंपाउंड फिगर का जो है ना वो दिखाया है, आप इस पे वन बाई जी वन भी जो है कर सकते हैं, लेकिन वन बाई वन में जो है वो इतना अच्छा जो है ना वो लुक नहीं आता। अगर आप ये इसी नहीं तरह से कंपाउंड चलाएंगे में तो आप ना बिल्कुल सब कुछ एक सामने आप देख रहे हो ना, मतलब सामने विजुलाइज कर रहे हो। अच्छा मैं एक और चीज पूछना चाह रहा था कि मैं आज, क्योंकि मेरा अपना जो स्पेशलाइजेशन है, मेरा अपना फील्ड है वो बायोलॉजी है, ठीक है, ठीक है। और प्लांट थोड़ा सा मेरे लिए नया एक चीज है ना, तो मैं आज पेपर्स देख रहा था, पेपर देख के फिर मैं जीन फैमिलीज और ये वो प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था ना कि अच्छा किस तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है, किस तरह से मॉटिव्स को लिखा बोला हुआ है, तो ताकि मैं चीज़ों को समझ सकूँ ना आज से, मतलब आपके लेक्चर से पहले। अच्छा हम इसके अंदर इस तरह के जो मॉटिव्स हैं जो कि वायरस से इंटरेक्ट करते हैं, जो इनकी इम्यून प्रोटीन्स होंगी ना, जो डिफेंस प्रोटीन्स हैं, तो उनके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं, उनके मोटिव्स या उनके वो वाले जो डोमेन्स हैं जो कि डिफेंस में काम करते हैं, या वायरसेस जो से हैं उनकी इन्फेक्शन की केस में वो इंटरेक्ट करते हैं उनके साथ। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ये मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे एमई एनालिसिस है, जी इसके जी अंदर ये डिफरेंट जो है वो सीक्वेंसेस जो है वो आते हैं। जी इसके लिए ना एक अलग डिफरेंट सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करते हैं, वो कमांड लाइन पे है टारगेट फाइंडर, अच्छा जी उसमें आपको जो है वो एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जो भी जो आपके पास इम्यूनिटी से रिलेटेड या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है ना कि उसके अंदर ये मोटिव्स जो है वो इन्वॉल्व है वायरस में, वो उसकी आपको ठीक पूरी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। इसी तरह से जैसे जी ही जी अपने पास सीक्वेंसेस की लिस्ट होती है, एक हेडर है ऊपर और फिर नीचे जाना वो सीक्वेंस, फिर हेडर फिर सीक्वेंस, जी फिर आपने जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको चेक करना चाह रहे हैं उसका जो है वो आपने जीनोम सीक्वेंस जो है वो निकाल, ठीक उस जीनोम सीक्वेंस के अंदर टारगेट फाइंडर के थ्रू जो है उसको रन करें। तो टारगेट फाइंडर जो है सही वो मोटिव जहाँ पे भी मौजूद होगी उसको उसके साथ अलाइन हाँ भी कर देगा, अलाइनमेंट भी शो कर देगा और उसका कोऑर्डिनेट भी बता देगा कि क्रोमोसोम वन के ऊपर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है और क्या ये सेंस में है या एंटी सेंस डायरेक्शन में, वो देखना है। सही वो थोड़ा जो है वो डिफरेंट साइड है। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि पहले इसके ऊपर हैंड्स ऑन हो जाए, ये चीजें समझ आ जाएं, देन फिर बंदा ना उसकी तरफ जाएगा। ठीक फिर उसके बाद है आई होप के जाना वो सबको समझ आ गई जी, होगी। अभी वैसे मैंने पेपर खोला तो थोड़ी देर पहले, तो वो उसके अंदर उन्होंने काम किया हुआ था, कौन सी जीन थी, ये थी NBS। यस हाँ ठीक है, ये इससे रिलेटेड इम्यूनिटी से रिलेटेड है। रिलेटेड है, क्योंकि मेरा दिमाग ही उस तरफ चलता है ना, तो फिर वो ऑटोमेटिक जो मैं सर्च दे रहा था वो भी वैसे ही दे रहा था ना, तो वो इम्यूनिटी से रिलेटेड है, तो वो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग जो सी वो जो डोमेन है, ठीक है, तो NLR भी उन्होंने उसको नाम लिखा हुआ है, NBS भी लिखा हुआ है, तो वो रेजिस्टेंस के हवाले से है।
ये बहुत तो बड़ी उसको जगह मैं फैमिली चाह रहा था कि मैं उसके साथ प्रैक्टिस करके देखूं, तो जिस तरह से उन्होंने पेपर में किया हुआ है और जिस तरह से आपने ये चीजें करवाई है ना, मैं आपको जो ना ये तो सजेस्ट करूंगा बजाय इतनी बड़ी जीन फैमिली, क्योंकि इसमें जो ना आपको वो 100 के हिसाब से जो ना वो फैमिली मेंबर जो है वो मिलेगा, उसको ज्यादा फिर आपको हैंडल करना, क्योंकि आप अपनी इनिशियल स्टेज पर हैंडल करना मुश्किल होगा। अच्छा, मुझे आप अंदाजा जब नहीं कि कोई, इतना क्योंकि सारा होगा। मैंने ऑलरेडी इसमें जो ना एक पेपर पब्लिश किया है इससे रिलेटेड, बहुत बड़ी जीन अच्छा फैमिली। जी, ठीक है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोई छोटी जीन फैमिली जो है ना वो देख ले, जिसमें तो 10-12 अगर जन अगर आप देखो ना, अगर आपको सजेस्ट कर देते हो इनिशियली कि मैं उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकूँ ना, तो अगर फाइनली उसके अंदर वो मुझे मैसेज व्हाट्सएप के ऊपर कर देते हैं, तो मैं एटलीस्ट, बहुत एक छोटी फैमिली है ताकि वो इजीली हैंडल हो जाए ना, तो मैंने आपको उसको ना देख लें। और दूसरा ये है, एक सब एक ऑलरेडी लिंक भी दिया था, ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डेटाबेस, ये अच्छा स्क्रीन नजर आ रही है, जी, नजर आ, इसमें ना आप होम पे चले जाएं, होम पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट स्पीशीज दी, जी, इनमें से आपने ना कोई भी स्पीशीज है वो चूज कर ले। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये ग्रेप्स चूज कर लेता, वाइटस, इस पे क्लिक ठीक करेंगे। अब इसके अंदर ये तमाम की तमाम जो जीन फैमिलीज मौजूद हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की, ये ठीक डिस्प्ले हो गई है विद नंबर, जैसे यहाँ जी, पे देखते हैं। इसमें आप ठीक सबसे है, छोटी वाली जो है वो ले लें, जैसे यहाँ पे ये जिसके साथ नंबर सबसे कम है, सबसे ठीक कम है है, जैसे ये BES है, जी, BES वन, इसमें जो है वो 6 मेंबर। ठीक है, ठीक आप जस्ट अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ से ये डाउनलोड सीक्वेंस वाले ऑप्शन में आके, ये वाला जो ऑप्शन, इस पे आके सीक्वेंस को डाउनलोड कर लें। उसके बाद जी, इसको जो भी आपके पास प्लांट कोई और मौजूद है या एनिमल है उसके अंदर इसको सर्च करना शुरू उस करें। उसके साथ सर्च करके उसको लाइन, मतलब जैसे भी आपने किया। हाँ, एक ये अच्छा, एक तरीका और है। चीज़ दूसरा तरीका ये है कि ऑलरेडी पब्लिश्ड पेपर ही उठा लें। सर, इसके लिए अगर आप अपने जो पेपर हैं जो आपके पब्लिश हैं और इससे रेलेवेंट जो काम है, वो अगर उनके वो आप लिंक शेयर कर लेते हैं ताकि हम उनको भी देख लें, क्योंकि पहले मैं वो लिंक भी शेयर करूँ। हाँ, उसकी उसकी वजह ये है कि आपने जिस तरह से बोला है या आपका जो स्टाइल है वो समझ आ रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस पेपर भी जैसे वो उस स्टाइल से ही मिलता जुलता होगा ना आपका, जी, तो वो चीज़ें आसान हो जाएंगी ना उसको कॉम्प्रिहेंड करने में, समझने में या फॉलो करने में। ठीक हो, चलिए मैं आपको शेयर कर दूँ। बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है जी, सर। डॉक्टर साहब, अगर जिस समय मैं मीटिंग स्टार्ट होने से पहले आपसे डिस्कस कर रहा था कि हर डोमेन का PFM नंबर अलग होता है, जिस समय कॉल मॉड्यूल में किसी पेपर में उन्होंने 3 डोमेन्स कंसीडर की हुई हैं, IQ डोमेन और वो, तो जब हम इसको PFM नंबर के ज़रिए एक्सट्रैक्ट करेंगे सीक्वेंस वहाँ से डेटाबेस से, तो फिर तीनों की एक ही फाइल बना के फिर हम TB2 में इसको ब्लास्ट करेंगे ना, ऐसे ही होगा। ऐसे ही कंबाइन करके फिर कर। और अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा प्लांट्स के हवाले से स्पेशली मुझे एक बात वैसे समझ नहीं आई कि जितने भी लोग जीन फैमिलीज के ऊपर काम करते हैं, ये सारे एबायोटिक स्ट्रेस क्यों देते हैं जीन फैमिली को? ज्यादातर जो जीन फैमिलीज है ना उसमें, क्योंकि एबायोटिक स्ट्रेस की तरफ ज्यादा जाना, एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस और ये सारी चीजें ज्यादा हैं। अगर हम जो है अच्छा, वो जीन मैं के थ्रू जो है वो इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, रिजिलियंस जो है ना उसके अंदर रहती नहीं पैदा कर रहे हैं, तो गया, डेवलपमेंट जो है वो ऑलरेडी जो है कंट्रोल हो ही जाती ठीक है, इस वजह से ज्यादा होता है। और हो। दूसरे नंबर पे ये भी है ना कि मिसाल के तौर पे आप टोमेटो पे काम कर रहे हैं, आपने एक मरतबा हीट स्ट्रेस दे देना, सैलिनिटी, ड्राउट, हार्मोन स्ट्रेस, तो आपके पास RNA की लाइब्रेरीज तो ऑलरेडी बनी पड़ी होंगी, यस, तो नेक्स्ट टाइम जस्ट आपने एनालिसिस करना है और qPCR लगा लेना, आपको वो एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अगर इसमें qPCR ना हो हमारे पास तो सिर्फ RNA-Seq का डाटा हो, जिस तरह मैं पाकिस्तान में हूँ अभी। फिर RNA-Seq, उसमें फिर ना आप उसके अंदर टाइटल में इन सेलिको एनालिसिस कर, इन सेलिको कर दे। इन अच्छा, सेलिको, ऐसा लेकिन हो ये इतना पॉसिबल है। ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि मेरे साथ 2 मरतबा ये हो चुका है, लेकिन मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि मेरे पास फैसिलिटीज नहीं है, तो उन्होंने तब तो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन वो जर्नल जब आप दोबारा रीसबमिट करने की कोशिश करें 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद,
वो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कह लें उसका कोई डॉक्टर अरुण साहब बैठे हुए हैं, इनके थ्रू कोई जुगाड़ लगा लेने पंजाब यूनिवर्सिटी में आरटीपीसीआर का। आरटीपीसीआर तो इजीली हो जाता है, उसका कोई इशू नहीं है। फैसलाबाद में भी है, ईयू में भी है, ये जो लेकिन फंडिंग भी तो वाली चाहिए थिंग्स ना, है। अगर जीन ही कोई 40-50 निकल आए तो फिर फैसिलिटी। अच्छा सब 40-50 का आपने नहीं, आपने 40-50 का नहीं करना, आपने क्राइटेरिया सेट करना है। जितने आप एनालिसिस करेंगे उसमें किसी एक एनालिसिस को जो है वो एज राहिल ही अपना जो है ना माइक ऑफ कर दो प्लीज। तो उस एनालिसिस के अंदर जो है वो हमने माइक ऑफ करो माइक एनालिसिस में हमने जो है वो कोई भी स्टेज चूज कर दी। मिसाल के तौर पे हम जो है वो जिस वक्त हम ये डुप्लीकेशन एनालिसिस करते हैं, अगर हमें वहाँ पे कुछ डुप्लीकेट जीन्स मिल रही हैं तो हम उस डुप्लीकेशन को एज अ क्राइटेरिया जो है वो ले सकते हैं कि हमने इस क्राइटेरिया के बेस पे 20 में से जो है वो 4 जीन्स जो है वो डुप्लीकेटेड जीन्स जो है वो चूज़ की। हम ये चेक करना चाह रहे थे कि ये डुप्लीकेट क्यों हुई है, कि क्या इंपॉर्टेंस है डिवेलपमेंट में या स्ट्रेस में, ये जो है वो डुप्लीकेट हो गई है बाकी चीज जो है वो डुप्लीकेट नहीं। एक क्राइटेरिया हम ये सेट कर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया हम ये कर सकते हैं कि हम इस एनालिसिस को जो है जो प्रमोटर का एनालिसिस है वहाँ पे कौन कौन सी जो है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड या स्ट्रेस से रिलेटेड मोटिव्स मौजूद हैं, और क्या वो मोटिव्स जो है वो स्ट्रेस के साथ रिस्पॉन्ड करती हैं या नहीं करती, जो हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं हारमोन का या कोई भी जो है वो हमारे पास सैलिनिटी ड्राउट टेम्परेचर का स्ट्रेस है, तो उससे रिलेट करके वो क्राइटेरिया भी हम जो है वो चूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि हमें पूरी की पूरी जीन फैमिली को करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से चंद जो है वो हम कैंडिडेट मेंबर जो है वो चूज़ कर लें 4, 5, 10, उनका फिर जो है वो हम यू पी सी आर इजीली जो है वो कर सकते हैं। चले फिर तो फिजिबल है, फिर इसका मतलब हम पाकिस्तान में कर सकते हैं। मैं तो उसी वजह से उसके एक्सपेंसेस की वैसे कह रहा था। अगर हम इस तरह से करें तो ये पॉसिबल है। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह ना ये वाला जो काम है मोलेक्युलर वाला, जिसमें पीसीआर है, आरटीपीसीआर है, आरएनए एक्सप्रेशन, बाकी एक्सप्रेशन है उनके, इवन प्रोटीन जैसी एक्सप्रेशन, ठीक है, तो वो सारे काम जो से वो इंशाल्लाह हम कर देंगे, ठीक है। तो हर रमजान के बाद तैयार रहे आप। नहीं, मैं तैयार हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर तो हम मेरा तो अपना हैंड्स ऑन है ना उसके ऊपर, वो तो इंशाल्लाह वो हो जाएंगे। तो ये वाली जो चीज नहीं, है हैंड्स वो ऑन का मसला नहीं है, वो तो सारा काम मुझे भी नहीं, आता है। देखो दो महंगे चीजें हैं आते हैं ना, ना केमिकल, मशीनरी महंगे भी नहीं आते है हैं, अंदर। नहीं, इतनी चीजें अगर हम कोलेबोरेशन में काम कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वो इतना महंगा नहीं है, ठीक है। जो हाँ जी, पीसीआर अगर आपने रन करना है ना, एक रन कौन सा है पीसीआर का, वो महंगा तो पड़ता है, 250-300 में भी इजीली हो जाता है, अगर आपने बल्क में केमिकल मंगवाए हुए हैं। और स्पेशली जो लोग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं उनके पास ये चीज़ें बल्क में पड़ी होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे चीज़ें हमें मैनेज करनी, उनके साथ कोलेबरेट करना, उनके साथ मिलकर काम करना आसान है। पंजाब हाँ यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, जहाँ से मेरा अपना वो है पीएचडी का, तो वहाँ पे मेरी ऑलरेडी एक दो लोगों से बात हुई हुई है कि हम लोग इस तरह से काम करना चाह रहे हैं, तो परमिशन भी है उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है आप आए प्रोजेक्ट ले आओ, तो उसको मिलकर कर लेते हैं। जबरदस्त है फिर तो। ये भी है, और एचईसी ने ना एक नोटिफिकेशन इशू किया था ऐसे तकरीबन 6-7 महीने पहले, तो वो भी जो है ना कुछ जो है ना इंस्ट्रूमेंट्स की फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें पूरा एक प्रोसीजर है, मैं वो दोबारा सर्च करूँगा, वो शेयर कर दूँगा आप लोग। उसमें चलिए हमें जस्ट जो है वो केमिकल्स या जस्ट उनसे अपॉइंटमेंट लेनी, बाकी सारा वो जो सब मिलके हमारा जो भी स्टूडेंट होगा या हम खुद ही पर्सनली वहाँ पे चले तो वो सारा वो कर, तो वो वहां डिस्काउंट जाके फॉर्म परफॉर्म कर सकते हैं हम। कर सकते हैं, और डिस्काउंट के साथ है। नॉर्मली अगर मार्केट में अगर आप एक रिएक्शन दबाते हैं 1000 का, तो वो आपसे 500 चार्ज करें, चलिए, ये तो बहुत अच्छी चीज है फिर, ये तो इसका वो तो मुझे नहीं मैं आइडिया था, जरूर शेयर कीजिएगा आप। दोबारा सर्च करूँगा तो आपको शेयर कर दूँगा। चलो ठीक है, और नेक्स्ट असाइनमेंट तो है कि हमने ये सारे एनालिसिस जो आज किए हैं ये करके लाने हैं सबने, ये भी करने और हैं, चेक मैं भी करवाने हैं। ठीक इनकी फाइल्स भी शेयर कर दूंगा और आपने दोबारा उस एनालिसिस को दोबारा परफॉर्म भी कर दूंगा। मैं तो रियल टाइम में वैसे कर रहा हूँ कि मेरी 10-12 दिन के बाद जीन फैमिली करेक्टराइज हो जाए। इंशाल्लाह देखते हैं।
मैं तो इंशाल्लाह सिर्फ वो जो आपने किया है मैं उसको रेप्लिकेट करूंगा, तो ठीक है अगर मेरे रिजल्ट्स या मेरी जो चीज़ें वो आपकी जैसी निकल आई तो मैंने कुछ कर लिया है, उसके बाद सोचेंगे आगे क्या करना है ना। तो फर्स्ट ये है हो कि जो जाएगा आपने इंशाल्लाह। किया है या जो फाइल्स आप शेयर करोगे ना तो उनको फिर मैं रेप्लिकेट कर लूंगा ना, तो चलो इंशाल्लाह। थैंक ठीक यू, थैंक यू। है, यस सर, ठीक है डॉक्टर साहब, एंड करते हैं मीटिंग को। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। चलो फिर ट्यूसडे को मिलते हैं। जी इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।